गुड मॉर्निंग आरव, हैप्पी बर्थडे। अच्छे वाह, स्पाइडरमैन। वाह, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आरव सिंह की आज बर्थडे है और हम लोग आरव सिंह खुश हैं। क्यों? उसमें ऐसे बटन दबाएंगे और ऐसे तो तैयारी बहुत काम करना है आज। तो खाना हम लोगों को बनाना है, तो एकदम जुट जाओ नाश्ता करने वाले को। आगे बर्थडे बॉय की गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी बर्थडे। आरव को डेकोरेशन कैसी लगी? अच्छी है। बहुत अच्छी लगी। अभी एक बंच बचा हुआ है जो अभी सोचना है कहाँ लगाओगे। उधर लगा दे कर्टन के ऊपर। अच्छा दीदी, कह रही थी मुंह फुलाए, नहीं फूल पाएगा हम मशीन से। कहीं हाथ मारे, इतना प्रोग्राम होता है इसको जो है उधर लगा रहे, क्योंकि इधर लग रहा है ओवर हो जाएगा। और आरव का कार भी तैयार हो गया है, जीप जीप। ये बैटरी, बैटरी है। ये जीप का व्यू है, देखिए जीप। वाह, कार बैठ जा रहा है। तो अभी इसको उसमें नहीं कुछ असेंबल किया गया है। हाँ, पहला काम। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी लाओ लाओ, बात करो। हेलो हेलो हेलो, आओ। हेलो 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 हेलो, थार थार कहाँ हो? कमिंग चार्ली, कमिंग चार्ली। वन टू 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 टू, वन टू। बोलिए चार्ली, चार्ली बोलो। चार्ली बिजी हो क्या? चार्ली नो सिग्नल, चार्ली नो सिग्नल। चार्ली बेटा, चार्ली वेयर आर यू? चार्ली अभी चार्ली हो गया है अभी। क्यों? हाय चार्ली, अभी बॉल लाओ। बैटरी लगी तब नाचेगी। वो पटकना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, पहले से बस वो करना है। अच्छा, ये आ गए कैप्टन अमेरिका। ये लगा लो, ऐसे लगाओ। हम इसमें भी कुछ है बचता बचता, सब में बैटरी लगेगा क्या? इसमें लगी होगी छोटी बैटरी। वाह, ये तो आरव को बहुत दिन से चाहिए था। देखिए बाबू, उसमें बैटरी है क्या? तो अरे वाह, सॉरी, ये देखो। ले, वाह। अब अपना थार ले लो, थार भी एक साथ सा बन जाओ। कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, ये इंडिया का त्रिमूर्ति आ गया। त्रिमूर्ति, थार, स्पाइडरमैन एंड कैप्टन अमेरिका, इंडियन वर्जन। सारे कलर हैं, ये भी और कलर है। वेरी गुड। यहाँ पंचायत चल रही मम्मी का, बाप बेटी का पंचायत। कुछ अच्छा, एकदम स्टाइलिश काम हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं, पापा को थोड़ा जल्दी है। बकरी का कलीबी धुला जा रहा है, पहले बढ़िया धुला, पांच छह पानी, पांच छह पानी धुलो तो एकदम। ये बीज बकरा है, ये जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। यही आइटम है सबको मेन्यू में, ये है कि नहीं है? अरे ऐसा हुआ कि ऑर्डर जिसको दिए तो दे ही नहीं पाया। अरे क्या बोला? कहा करिए सर, वो आया ही नहीं है। क्या जो तुम्हारे चक्कर में मेरी पार्टी खराब हो जाए? तो फिर दो तीन जगह दौड़े हैं तब जाके मिला है, नहीं तो हम कहे कि लोग का दिल टूट जाता अगर आज। ये मशरूम हो रहा है मैरिनेट, अभी एक दो घंटे रखा जाएगा, प्रॉपर मैरिनेट हो जाएगा तब इसका बनेगा दो प्याजा। दही है, नमक वमक सब। बर्थडे के पहले आरव का हो रहा है शूट, ऐसे करो। हाय, ये हमारे आ गए शाहरुख खान पोज देखते हुए।
कितना बनावटी हंस रहा है। ये हमारे फोटोग्राफर और यहाँ दादी बैठ के देख रही है फोटोशूट। सबके आने से पहले ही आरफ का सारा फोटोशूट कर लिया गया था, क्योंकि आने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं करता। ओम मंगलम विष्णु। ए बर्थडे बॉय, साधु बन जाओ क्या? अब एक नया फोटोग्राफर मार्केट में आया है, ये देखिए। ये हंडा चढ़ गया, ऐसा लग रहा है जैसे 100 लोग का भोज भात है। और यहाँ देखो क्या कहानी बैठती है इसमें, पूरी हमारा सबसे बड़ा है फाजुन भाई। तो वो ये बना देना, हंडा तैयार। गर्मी से हालत हो रही है एकदम खराब, लेकिन इतनी मेहनत है, लेकिन अब क्या करें, बच्चों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। एक लोग यहाँ पूरा हंडा चढ़ा के बैठे हैं, कैसा लग रहा है गर्मी में। अभी सब कर लेंगे ताकि इस समय तक वो हो जाएगा ना रिलैक्स्ड। बीफ चिकन, कोल्ड बकरा, इसीलिए तो भागते हैं हम लोग कुछ करने से। इधर सासू माँ बेचारी लहसुन छिलने में लगी हुई है। क्यों मम्मी, सब लहसुन छिलने में लगा दिए आपको? बूढ़े लोग का यही काम है। तब क्या भगोना देख के समझ में आए कितना मेहनत का काम है। मारों की शादी हो रही है। माँ बाप बहुत मेहनत, शादी ले रहेगी कि नहीं, बर्थडे में तो मना ले रहे हैं सब। मैंने फिर पापा को बुलाया गया देखने के लिए हमारी कुकिंग स्टाइल और हम कैसे सारी कुकिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े बर्तन रखे तब सब पक रहा। हाँ, दिखा मशरूम तैयार हो, देखो कहीं बकरा बनाए है, देखे दिखे। अच्छा बनवा थे तैयार हो गया मशरूम मेरा। एक कारीगर खाली हो गया, दूसरा कारीगर पनीर, शाही पनीर का कारीगर तैयार है मार्केट में। ये है और हमारे इनके पनीर और मशरूम का उड़ता है सबका अपना अलग अलग भाव, किसी का कम नहीं है, मार्केट सबका टाइट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। लेकिन मशरूम का मार्केट ऑफ सीजन है ना ये। अच्छा, इसलिए मार्केट और हाई हो जाता है। तो आप लोगों को क्या पसंद है? हाँ जरूर बताइए, मशरूम या पनीर। मैं तो मशरूम नहीं खाती हूँ, एलर्जी है। पापा को बुलाया गया टेस्ट करने के लिए। बेटे का पास किए हैं, बहू का देखिए क्या होता है। ये बहू पास है, बेटा देखा कि ये पास हुआ था थोड़े ई समीक्षा बनाए हैं वो तो। हाँ बना रहा है मम्मी, देखो पैर पैर पैर। अरे तो हमारा का खराब रहा का पप्पो, हम झूठे में देख रहे हैं। कैसे पता चले? मतलब स्वाद हो चाहे, दोनों पास रहे तो अच्छा है। या प्रसाद चढ़ाए खाएं मम्मी और खाए जाए। स्वाद है बढ़िया, ज्यादा अच्छा लगा। क्या बोले पापा, एकदम अब गुरबुक बनानी है इसी बात से। मशरूम पैक हो गया, अब जाए तो वही समझ। पतोइया भाई फेल, बिटौआ भाई पापा को आई पुरानी याद, इसलिए बेटा पास कहीं मम्मी गई है जो गुरु वेज बकरा। पापा को मुझे क्यों आरव तैयार होके दादा दादी के पास बैठ गए हैं। हाय आरव,
हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. बहुत स्टाइल मार रहे हो आज. वॉच लगा लिया है तो उसको लग रहा है कि कितना घड़ी देख लें. क्यों अभी, ये देखिए कितना होता. अभी आपके गेस्ट कोई आए नहीं. अरे अभी कितना बैठ के सोचा. सब बैठ के सोचा. हेलो आर यू रेडी. हाय आरव. आरव ने तो हाय कर लिया था. थैंक यू पापा. आज पापा न्यू टाइप की ड्रेस में शॉर्ट कुर्ता एंड ट्राउजर्स. क्या बात है. कितने बड़े स्मार्ट लग रहे हैं. यस लाइक नो यस लाइक. सब लोग आरव को हैप्पी बर्थडे बोलो. हैप्पी बर्थडे टू यू. चलो डांस करो. अरे रोजा जी भैया उधर कारपेट पे जाओ. इस बार आरव को बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट थी अपने बर्थडे. और शुरू हो गया आरव का डांस परफॉर्मेंस. और सबकी एंटरटेनमेंट का ठेका अकेले ही आरव ने उठाया हुआ था. और बहुत बहुत अच्छा डांस कर रहा था. एंड फाइनली शुरू हो गया सबके आने का सिलसिला. सबसे पहले छोटी बुआ लोग आ गए. ये छुओ इधर इधर. हैप्पी बर्थडे. पहले छुओ फिर छुओ. प्रेपरेशन जो मैक्सिमम सेटअप मैंने पहले ही कर दिया था सबके आने से कि हम भी साथ में एंजॉय कर सकें. एक अलग से टेबल इस तरह से लगा दी थी. एंड थोड़ा फोटो शूट सबके साथ फिर चालू हो गया. सब लोग ग्रुपिंग्स में आरव के साथ अलग अलग फोटोज क्लिक कराने लगे. एक ही लाई होती है. अरे मीठा है. अच्छा तो So, यहाँ स्टार्टर्स लग चुके हैं. गोल गप्पे हैं उसके लिए डिफरेंट. मीठी दही और खट्टा पानी, मीठा पानी, छोले, चटनी और साथ में है सूप एंड नूडल्स. तो तैयार है. आओ चलो क्या आप ही शुरू कर देंगे क्या. फिर जितने लोग आ गए थे सबको भूख भी लग गई थी और स्नैक टाइम हो भी गया था. तो हमने सोचा स्नैक स्टार्ट कर देते हैं. धीरे धीरे बाकी लोग आते रहेंगे और सबके स्नैक्स चलते रहेंगे. गोल गप्पे, नूडल्स, सारी चीजें, सूप, सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. कोने आके क्यों खा रहे हो. नजर ना लगे. लोग देखेंगे यही लड़का सारा खा जा रहा है. चम्मच और फिर आ गई आरव की नानी. अरे बाप
आरव का केक लग चुका है, वो चल रहा है। थोड़ा दूर रहो, दूर रहो। ऐसे आओ, थोड़ा सा ऐसे कर। हाँ, कौन सी कार है आरव? रेसिंग कार है आरव। तुमको देखो, आ करो ऐसे। आरव पहले सुनो, BMW बनवाना चाहिए। आरव देखो इधर, केपी आरव थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, यहाँ नीचे आ, थोड़ा ऊपर नहीं तो मैं चाट लेता। देखो फोटो पहले खींचा रहे, साइड में से तो हर बच्चा करता है। चलो आप चले जाइए। ओके गूगल प्ले हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you and Patty Hepburn playing on Ghana. Happy birthday. अरे वन उनके साथ अकेले। अच्छा, वन टू ई, तुम इतने नीचे हो जाओ, वो दोनों इतने ऊंचे ऊंचे हैं। आना मुश्किल है। अच्छा अच्छा सुनो, दोनों लोग कैसे ऐसे हगी कर दो, ज्यादा बन रहे हो आप लोग। खड़े हो जाइए दोनों लोग, खड़े हो जाइए दोनों लोग। अरे जाते आ जाओ मेरे साथ, मेरे साथ। एक इधर देखो, कैमरे में देखो यार, आ रहा हूँ। आग बंद हो जाए। तो खोला जाए, क्या है पहला आइटम? अच्छा, ये आपका कलेजी।
वेज बकरा पापा का मुंह देखिए कितना खुश हो रहे हैं। आज पापा टेस्ट किए, पापा कह रहे हमें पुराने दिन याद आ गए जब हम खाया करते थे। एंड दिस इज चिल्ली पनीर। इधर तो रोटी तो रोटी सैलेड चटनी एंड गुलाब जामुन राइस आ रहा है। केक कटिंग के बाद थोड़ी गपशप हुई और गपशप के बाद स्टार्ट हो गया डिनर। डिनर में तो मशरूम को सबने कुछ ज्यादा ही पसंद कर लिया। थैंक यू। मशरूम डॉक्टर एकदम से आनंद आ गया कि आरव के लिए। अरे भाई आरव के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद जो है आरव एकदम से जिस तरह आगे और पढ़ाई। आपके भाई नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? जब भाई का हमें मुस्कुरा रही वो है तो खाने में मजा आया। तब बुआ क्या विचार है आपके? मेरा विचार है कि भैया नहीं है वो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, कमी तो खली रही है। लेकिन ये है कि कहो बच्ची आ रहा है बहुत चुलबुला बहुत प्यारा बच्चा है बहुत मजा भाई है। आप क्या कहती हैं आपका पति नहीं है तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उनके बिना तो बहुत अच्छा लग रहा है। काम से आए वही अच्छा लग रहा है, पति बिना चाहे वो। एंड फिर सारा एंजॉयमेंट हो गया खत्म। धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। सबको हमने अच्छे से खाना पैक करके भी दे दिया कि नेक्स्ट डे सब आराम से बैठ के खाएं, बिकॉज बासी और टेस्टी लगता है। गाओ गाओ बाय बाय। तो मजा आया। बाय राजेश, जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन यही गद्दा बिछा देते हैं सब यही सो खुश रहे। फिर सबके जाने के बाद हम लोग एक नाम से आधे घंटे तक बैठ के पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे और बड़ा मजा आया। आई होप आपको आरव का बर्थडे वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आरव के लिए अपनी विशेस देना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।